कल जो है 13 जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नौयत, किस किस्म की नौयत और किस किस्म की दबाव पड़ सकता है हेल्थ की फैसिलिटीज पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे, क्योंकि यूके वेरिएंट बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो है 60% के करीब है और 68% के करीब इसकी फिटैलिटी है। और ये जो है ये हम, और जो ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फिटैलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो है उनकी शरह बहुत बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट की अगर लग जाती है तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। जो हम वैक्सीनेशन अभी कर रहे हैं, जो नॉर्मल हमारी कोविड 19 की जो वायरस है उससे तो ये वैक्सीनेशन जो है उससे हमें तहफ़ दे सकती है, लेकिन ये टीके साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट के खिलाफ कोई तहफ़ नहीं देते। तो इस वजह से परेशानी का बायस है और मैं इसीलिए आपसे दोबारा इल्तिजा करती हूँ, जो आप घर में सोशलाइजेशन होती है, घर में पार्टीज छोटी मोटी होती हैं।